कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ सबको गले लगाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाएं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण व मेरे सभी साथियों, सभी को मेरा सुप्रभात। आज के इस शुभ अवसर पर मैं नेहा आर्या बहुत ही खास दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं नेहा आर्या आप लोग के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। आज़ादी का प्रतीक है 15 अगस्त, आज़ादी का प्रतीक है 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है 15 अगस्त, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है 15 अगस्त, देश की शान है 15 अगस्त, देश की शान है 15 अगस्त। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस, और आकाश जितना ही विशाल है हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, अध्यात्म और कलाकारी से झलकता इतिहास। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने देश को बेड़ियां पहनाई, भारतीयों ने अनेकों साल गुलामी में जिंदगी बिताई, भारत के महान वीरों को यह बात देखी नहीं गई, फिर एक हुए देश भारत देश के दीवाने आज़ादी की आग जगाई। किसी ने उठाए सच तो किसी ने लिया अहिंसे का सहारा, लेकिन क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनकी इच्छा जिंदगी नहीं थी? क्या उनकी खुशियां आकांक्षा नहीं थे ना, लेकिन उनकी खुशियां राष्ट्र के हित में ही बसी थी। किसी को भी नहीं थी अपने जान की परवाह, किसी को भी नहीं थी अपने जान की परवाह, सभी के रग रग में बसा था देश प्रथम सदैव प्रथम, देश प्रथम सदैव प्रथम का नारा। अनगिनत बलिदानों के बाद विदेशियों ने हमारा देश छोड़ा, आज़ादी के नींव पर खड़ी हुई कई भव्य इमारत, तभी आज़ादी ने कहा मैं मंजिल नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं बस शुरुआत हूँ। और उसी दिन यानी 1947 में हमारे भारत के महान सपूतों ने अनेकों बलिदानों के बाद हमारा देश हमें सौंपा, यानी कि हम सब भारतीयों को, हम सब युवाओं को हमारा देश सौंपा, इसी आशा के साथ कि हम उनका बलिदान कभी व्यर्थ ना जाने दें। जिस मिट्टी में खून बहाया है उस मिट्टी से अनेकों वीर जन्मे, और हर एक भारतीयों के रगों रगों में राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का खून बहता दिखा। जाते समय अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत देश विश्व में सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भगवद गीता भी उनके पाठशाला में पढ़ाई जाएगी। ऐसे ही प्रगति करते करते भारत पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचा। एजुकेशन, इंडस्ट्री, स्पेस रिसर्च जैसे कई क्षेत्र में भारत ने प्रगति की। मेक इन इंडिया, इन शब्दों ने हमारा नाम ऊंचा किया। आज भारत एक है अखंड और सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और हर साल स्वतंत्रता दिवस हमारे देश और मजबूती के लिए एक संकल्प निश्चित करता है। और आज आज़ादी के 76 साल पर भारत देश अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस साल का संकल्प है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, मतलब पहले और हमेशा राष्ट्र के लिए जिए, यानी मानवता के लिए, क्योंकि एक इंसान देश को संबोधित करता है। आप देश में नहीं हैं बल्कि आप खुद देश हो। हे वीरो, जी हाँ, मैं आपको ही संबोधित कर रही हूँ। हे वीरो, हमारे देश के महान सपूतों ने बलिदान के वक्त ये अमूल्य भारत देश, भारत माता को हमें इन्हीं हाथों में सौंपा था। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि सांस होने तक राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का धागा हम हमारी कलाई में बांधे रखें। तो आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, विकास और लोकतंत्र के 76 साल। आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है, दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है मेरा बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।